वहाँ एक छोटा बच्चा आर्ट कर भी रहा है। वैसे पूरी सब्जी में डाले यार। हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है शाम में। हमने पूरा इवेंट मैनेज कर रखा है यहाँ पे। ये आपको एंट्री गेट पे ही है बिल्कुल। कॉफी से आंखें खुल गई। मेरे साथ एक प्रैंक हो गया है। विलास भाई बताएंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सुंदर नर्सरी। और पहले हेलो हेलो बोल दो भाई। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। फॉग बहुत ज्यादा हो रही है। अब दिल्ली वाले ही बता सकते हैं ये तो। गरम में रखो ना, फॉग कहते हैं सब। पोल्यूशन हो रहा है, ज्यादा पोल्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब साइड में धान जलाना, उसके से यहाँ पोल्यूशन है। और यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है, मतलब रुका नहीं जा रहा, मन कर रहा है बस अंदर जाने के लिए। एक तो मौसम अच्छा और ऊपर से यहाँ का व्यू बहुत अच्छा। तो जी भागता हूँ, मुझे एक पीकॉक दिखा वहाँ पे। वो देखो वो जा रहा, घूम करके दिखा। बोरा 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 गया। तो जी हमने टिकट ले ली, 50 रुपए की एक टिकट है पर बंदे की। और यहाँ पे वाला सिस्टम है, वापस में भी टिकट मांगेंगे, वापस में ही टिकट। हाँ। टिकट नहीं मांगेंगे। टिकट संभाल के रखो ना, हो जाएगा। और अगर पार्किंग में लगाते हैं तो संडे पार्किंग है 200 रुपीज फॉर 4 आवर्स। और अगर वैसे आते हैं मंडे टू सैटरडे 100 रुपीज। ये कितना सुंदर लग रहा है गाइस, ये देखो। और ये मुझे देख के भाग ना जाए। भाग रहा है। चलो ये तो चला गया, अब हम भी चलते हैं। ये बेसिकली पिकनिक स्पॉट है और ये आप देख सकते हो सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे और पिकनिक के लिए अपने बच्चों को लेके, कोई डॉगी को घुमा रहा है, कोई कुछ। और आराम से ये जो प्यारे भाई प्यारे डॉगी आराम से लेट लगा रहे हैं यहाँ पे। गाइस ये देखो मेरे को क्या दिखा है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे नींबू। ये नींबू का पेड़ है नहीं। तो ये क्या लग रहा हुआ है इस पे, मौसमी लगा हुआ है ये। गाइस अगर किसी को पता है किस चीज़ का पेड़ है तो कमेंट्स करके बताना। बाकी ये छोटा छोटा ही दिख रहा है मुझे, बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है। देखो इस मौसमी के पेड़ पे से हमने मौसमी तोड़ लिए, पर ये कच्ची है अभी, बहुत टाइट है, सख्त, खा नहीं सकते। पर ये वो तो पीली रही है। पीली रही है हाँ। खट्टा जैसे खाने का मन है, जो प्रेग्नेंट औरत है वो खा सकती है। गाइस हम पता नहीं किस चीज के अंदर आ गए हैं, कुछ लिखा भी नहीं है। और ये अंदर सफाई हो रही है यहाँ पे। तो क्या इधर को जा, तो भूल भुलैया सी लग रही है पूरी है। हाँ, भूल भुलैया सी लग रही है। हाँ भूल भुलैया है सारी। और नीचे वो गुफा, अच्छा गुफा है, गुफा से ताला लगाया हुआ है जो काम की चीजें। गाइस यहाँ पे सब काम के ही पेड़ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये है पीपल और आगे बरगद का पेड़ है। कितना बड़ा है ये, बहुत पुराना लग रहा है मुझे तो। क्या हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है शाम में। हमने पूरा इवेंट मैनेज कर रखा है यहाँ पे, पता नहीं क्या होगा। वैसे होगा किस चीज का? किसी न किसी चीज का तो कर ही देंगे। बच्चे खेल रहे थे, इन्हें नचा देंगे। जल्दी पता नहीं है, जल्दी होगा। वैसे बच्चे तो बहुत सारे हैं वैसे। हाँ वो देखो वो खेल रहे हैं सब। गाइस हमें पता लग गया ये क्या है, तो आप बताओ। हमारे साथ प्रैंक हो गया एक। क्या प्रैंक हो गया? गाइस मैं भाग के जाती हूँ। हमारे साथ एक प्रैंक हो गया है, विलास भाई बताएंगे। मौसमी के बर्ड की नींबू मिली। गाइस ये मोटा वाला नींबू है। और हम अभी तक इस भरम में जी रहे थे कि ये मौसमी है। कुछ भी होगा तो खट्टा ही। हाँ ये बात भी ठीक है। ये वही वाली बात हो गई, अंगूर खट्टे हैं। ये लोटस है, गाइस ये देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ पे। गाइस ये हम घूमते घूमते आ गए हैं सुंदर बुर्ज पर। ये है सुंदर बुर्ज 16वीं सदी मुगल कालीन। गाइज ये पढ़ लेना, 16th century मुगल पीरियड। और ये रात में इसका व्यू ऐसा दिखता है रात में, इसके बारे में भी लिखा है यहाँ पे।
और यहाँ नींबू के पेड़ बहुत सारे हैं। हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ भी नींबू के पेड़ थे, यहाँ भी है। और ये है वो, रात में लाइट्स वगैरह जलती होंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता होगा। और ये दोनों कहाँ चले गए पता नहीं गाइस, अभी तक तो यहीं थे, मुझे लग रहा है इसके अंदर चले गए हैं। हाँ ये, अरे मैं इतने देर से ढूंढ रही हूँ, मेरे को पता के तो चले गए थे। मैं कह रही मैंने कहा वहाँ थे, अभी तो कहाँ चले गए पता नहीं। गुफा में, ये तो गुफा नहीं है लेकिन, और गाइस कितना सुंदर लग रहा है निकल के बाहर। ये देखो गाइस, वैसे तो मैं कभी ताजमहल गई नहीं हूँ बट मैंने फोटोज में देखा है और ये ऐसा ही लग रहा है। आगे पूरा पानी है और मौसम और ज्यादा अच्छा बना रहा है। हाँ जी बाजी सेज, हाँ जी आगरा कौन कौन गया ताजमहल? मतलब दोनों गए, मैं ही नहीं गई। ये ऐसा ही नहीं लग रहा आगे से, मैंने तो बाकी फोटोज में ही देखा है, ऐसा ही है ना उसमें भी है ना। ये है गार्डन ऑफ डिलाइट, जो की एक हाथ, एक यहाँ बहुत सारे, अरे हर कॉर्नर में पता है नींबू के ही पेड़ है। वो गाइस पानी देखो कितना साफ है, और ये फाउंटेन चलता होगा ना, इतना नहीं और लंबे लंबा चलता है, चला नहीं रखा इन्होंने। हाँ रात में चलता होगा उनके पास। मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा तो छोटा सा ऐसे है, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उसमें तो कितनी तकड़ी तकड़ी आवाज आती होगी ना, बड़ी डरावनी पानी की। पानी की मनाली में, हाँ वही तो, मैंने मुझे तो बड़ा डर लगता पानी की आवाज से, पानी की आवाज बहुत डरावनी होती है। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर ही आने वाला है। गुलाबों का बाग है, मतलब गुलाब का बगीचा है जिसकी रफाल खुद पब्लिक कर रही है, और उधर भी देखो चारों तरफ फूल ही फूल है। अलग भी वो इतना बड़ा कुछ और ही है वो तो, वो दूसरे फ्लावर है। हाँ पर ये खुशबू वाला फूल है, अच्छी स्मेल आ रही है वैसे तो, यहाँ सारे में गुलाब हो। लेनी है रील, लेनी हो तो ले लो। लिया गाइस हम पहुंच चुके हैं ये कैफे, फैब कैफे इंस्पायर्ड इंडियन बिस्ट्रो। इसका व्यू बहुत अच्छा है, इसका व्यू दिखाते हैं हम कैसा है। लेक साइड कैफे है, इसमें पूरा लेक का व्यू है, और ये व्यू है इस कैफे का। चलो हैं टेबल्स, टेबल है टेबल, और ये है यहाँ पे टकबाग चिल्ड्रन सेंटर, बच्चों के आर्ट के लिए है यहाँ पे, वहाँ छोटा बच्चा आर्ट कर भी रहा है, वही सब बच्चों ने बनाए हुए हैं ऊपर जो लगे हुए हैं ना, ये सब बच्चों ने बनाए हुए हैं। तो गाइस इधर हमारा मेन्यू आ गया है, और जूसेस हैं यहाँ पे, ब्रू कोल्ड शेक्स, स्वीट कोर्स, मेन कोर्स है। क्या ऑर्डर किया है आपने? ये मेन्यू में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेन्यू है पता नहीं क्या है ये, ऐसे मेन्यू मुझे पसंद नहीं, पर फिर भी हमने कड़ी मशक्कत के बाद स्प्राउट एंड वेजिटेबल पाव भाजी ऑर्डर कर दी है, जो कि आएगी तो बताएंगे कि स्वाद कैसा है, जो कि हमें चाहिए यहाँ पे लज्जत जो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। राजस्थान में रेस्ट कर लिया इसे? भाजी बोलो क्या मंगाया आपने? पाव भाजी मंगाई है, पहले एक ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा ऐसा होता है कि हम जो भी ट्राई करते हैं ना ट्राई अगेन हो जाता है, मतलब हम सोचते बेस्ट होगा एवरेस्ट का मसाला हो जाएगा तीखा लाल। गाइस हमारी पाव भाजी आ गई है, और बस बस ये ही होता है, नींबू भी है, रायता भी है, बस पूरी सब्जी में डाले यार। अच्छा हम डाले, अब पता नहीं टेस्ट कैसा होगा गाइस।
इसका इसमें स्प्राउट्स डले हुए हैं। हाँ, स्प्राउट्स एंड वेजिटेबल। हाँ, स्प्राउट्स। नॉर्मल है, मतलब ना इतना खास कह सकते और ना ही बुरा कह सकते, लेकिन जैसे इसके प्राइस हैं उस हिसाब से इतना खास नहीं है, है ना, नॉर्मल है। नॉर्मल है ना, बेकार है ना, अच्छा एवरेज है। मतलब यह है कि अगर आपने ले लिया तो छोड़ के नहीं जाना। हाँ, खा ही लोगे, कंप्लीट तो कर ही लोगे, क्योंकि दाल वगैरह है ना इसमें, पाव भाजी में दाल वगैरह हेल्दी है, जो चीज हमें पसंद नहीं आती है। बचपन से हमारा खराब है, उसके साथ नाता। हाँ, हेल्दी नहीं तो कब। सुबह सुबह कोफ्ते सोच रहा था मैं, महिलाओं के सामने तुम्हारे मैंने कोफ्ते मारेंगे आराम से। टिफिन नहीं है, टिफिन नहीं। गाइस, हम लोग खा चुके हैं और ये क्लीनिंग भी हो गई है और ये इस बात का गवाह है। पर बस क्या ही बताएं, मतलब वर्थ इट तो नहीं बोलेंगे ना प्राइस के हिसाब से, आप क्या बोलना चाहोगे। बट ये है कि अच्छा था, ये है कि अगर कोई चीज़ ले ली तो फेंकने वाले मसला नहीं आया कि अच्छा नहीं है या टेस्टी नहीं। हाँ, पर ये है कि डेट पे आना चाहे रोमांटिक, हाँ तो मामला चल जाएगा। हाँ, तो उनके लिए तो बेस्ट जगह है, और ज़्यादातर मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है सब लोग डेट पे आए हैं, डेट के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं आज यहाँ पे। गाइस, ये पता नहीं कौन सी ड्रिंक बना दिया है इन्होंने, कौन सी ड्रिंक बनाई है ये, नशे का गम। मजा आ गया है। हाँ, क्या क्या ये तो बताओ। ये पानी था, ये देखो गाइस, ये बन रहा पानी, ये वाला लेमन जो हमने तोड़ा, ये स्नीज करा इसके अंदर, और ये है हनी। ये रहा इसके अंदर हनी। तो ये गाइस, और कुछ अच्छा हो ना हो, ये जो इन्होंने इन्वेंशन करा है यहाँ पे नई ड्रिंक का, तो यहाँ हो तो ये जरूर पीना, ये यहाँ से ये जो हनी है ये, और बाहर से तोड़ के लेके आना ये लेमन। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, हम बैठे थे अंदर, हम लोग बाहर नहीं बैठे क्योंकि आ गई थी थोड़ी सी धूप, सुबह मौसम बहुत अच्छा था, मौसम क्या वो ही मॉर्निंग वाइब्स थी, बाकी पॉल्यूशन हो रहा था, अब थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हुआ है, धूप आई है और हल्के हल्के पत्ते गिर रहे हैं, और इसलिए हम लोग अंदर बैठे थे, कूलर चला हुआ है। और अब चलते हैं आगे, आगे क्या होगा ये पता नहीं अभी, और हम आ गए यहाँ पे, और अब देखते हैं। देखा मेन्यू वगैरह क्या है यहाँ पे, मेन्यू वहीं पे जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ, आप लोग जाके देखो और मेरे लिए थोड़ी सी सेवा करो, कुछ लाओ भाई खाने के लिए, भूख लगी है। अभी लास्ट में बताओ क्या, घास खाओगे, पत्ते खाओगे? नींबू जो आप मेरे को कंपनी दे सको जिस चीज में। नहीं 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 गाइस, ये आ गई हमारी हॉट है, हॉट मंगाई, हॉट है। अरे, और ये हमारे पास आ चुकी है हमारी पेटीज, देख के तो बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है फिलहाल। और ये गया है कैचअप, खोलूँ जल्दी। और ये आ गई तीसरी, और ये गए आप पेटीज। हाँ, अंदर अच्छी है भाई, कॉफी भी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है एकदम, शुगर डालने के बाद, शुगर से पहले बेकार थी। कड़वी लग रही होगी बिल्कुल, मस्त कॉफी है भाई, और मस्त ये कहीं अंदर जहाँ 10-20 लाख रुपए खाओगे ना तुम, यहाँ 2-4 लाख रुपए में खा लोगे, 2-4 लाख रुपए में यहाँ खा लोगे। अंदर भी कौन सा 10-20 लाख में खा लेंगे, अंदर खाना इससे बेटर है 2-4 लाख में बाहर खाना। अच्छा, 10-20 लाख का तो इतने में तो पूरा रेस्टोरेंट खरीद लोगे तुम, समझे नहीं मेरी बात है, समझाओ अपनी बात। गाइस, मेरा कहने का मतलब फ्रेश भी है, नहीं है बिल्कुल फ्रेश है, मेरा कहने का मतलब ये अभी बन के आई है, 100-500 का अंदर खाओगे उससे अच्छा है बाहर। हाँ, वहाँ बैठो मजे काटो और बाहर का खाओ, क्योंकि वहाँ खाने का मजा नहीं। सही कह रहे हैं, पाव भाजी के साथ आपको दाल की खिचड़ी मिलेगी।
फ्रेश है बिल्कुल, है ना, फ्रेश है। क्या प्राइस था इसका? इसका प्राइस है 360,000 रुपये। वन कॉफी, एक कॉफी और एक गिलास चाय, 50-50 है, 300 रुपये हो गए ना, 150। जैसे कि हम खा चुके हैं, पेट अच्छे से भर जाता है। अच्छा था ताकि नॉर्मल सही, वहाँ से अंदर से बहुत अच्छा है, वहाँ से बेटर है, वहाँ समझ में नहीं आया क्या था। हाँ, और ये आपको एंट्री गेट पे ही है बिल्कुल, कॉफी से आंखें खुल गई। और आपको खाना हो क्या बोलते हो उसे, खिचड़ी अंदर जाओ तो खिचड़ी की जगह पाव भाजी मंगा लेना। पाव भाजी ऑर्डर करना, खिचड़ी आएगी, खिचड़ी का मजा नींबू डाल लो और खिचड़ी खा पी के पेट भर के। और अब जा रहे हैं हम एग्जीबिशन की तरफ, और ये पता नहीं किस चीज़ का लगा हुआ है, बाहर शायद लिखा हुआ होगा, ये अंदर ही पूछना पड़ेगा, पता नहीं। और यहाँ पे कलेक्शन है, कपड़े भी इको फ्रेंडली होते हैं क्या? हाँ मैंने देखा, पता यहाँ पे लिखा है एप्पल्स मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कॉटन फ्रॉम हेम्प फैब्रिक, सोयाबीन फैब्रिक, ऑरेंज फैब्रिक, हेम्प फैब्रिक, बाथ एंड स्पा कलेक्शन, स्पा के लिए। चलो यार हमें कौन सा स्पा, टॉवल वर्सेस डेरी टॉवल, वो मसाज भी हो गया यार बिना। ये इको फ्रेंडली चीजें हैं यहाँ पे सब कुछ। ये सारे ड्राई फ्रूट्स, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश। तो गाइस जो भी था वो खा चुके हैं। फिर खड़े ऐसे बोलने भाई, जैसे हमने यहाँ खा चुके हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं, और आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या होगा। बाय।